अगर आप दो पाँच मिनट में वापस नहीं आए तो मान के चलेंगे कहीं नहीं गए हैं और उन्होंने कॉरिडोर में ही आपको रोक लिया रहने तू तो भी मर जाए नहीं तो उनसे बोली अंदर आ जाइए कोर्ट कुछ नहीं बोल रही शैतान बच्चा था शैतान मतलब नोटोरियस वाला शैतान नहीं इनोसेंट वाला शैतान रोज रात को अपने गाँव में हल्ला मचाता था शेर आया शेर आया सब लोग वो लाठियाँ लेके बाहर आ जाते थे सोते सोते उठ के तो बाहर जैसे आते थे कहते मैंने मजाक किया मजाक किया एक दिन उसने फिर हल्ला मचाया शेर आया तो लोग सोचे ये मजाक कर रहा हूँ और उस दिन वाकई शेर आया तो बहुत अच्छे आप तो जयपुर से आ गए नहीं तो आए वाले लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में थी थी। और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए नहीं सर वो आदमी को नहीं अटल श्री अंकित मिश्रा चले गए सर सर हैं आई थिंक जयपुर गए सर आई थिंक जयपुर गए हैं जी सर सर फिफ्टीन तक लौटेंगे तो ऐसा कौन से खुफिया मिशन में है कि अपने जूनियर को भी नहीं बता के गए सर इतनी बात नहीं हो पाई आज सुबह ही गए आप, आपके सीनियर आपसे बात नहीं करते हैं करते हैं सर आज नहीं हो पाई ज्यादा खुफिया जगह पे है क्या नो सर। आ, फिर जब आज नहीं हो पाई तो फिर आपको कैसे पता कि वो शायद जयपुर में है सर, उनका पहले से हो रहा था लेकिन पहले से बोला था कि जो भी बोले तो जयपुर बता देना नहीं। आ, तो क्या बोला था सर सर मतलब पहले बात हुई थी कि जयपुर जाएंगे लेकिन कब पुझे... बात हुई थी सर दो तीन दिन पहले दो तीन दिन पहले पर जाने से पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया नहीं आज सुबह बताया कि हम बाहर हैं तो देख लें आपकी हिम्मत नहीं पूछ लगी पूछने की कि भाई आप बाहर हो तो कहाँ हो <laughs> हैं <laughs> विजिलेंस कमेटी में है क्या कि वो उनका लोकेशन नहीं पता हो सकता क्या है आप मुकदमे बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी बहाने बनाते हो कैसे गए ट्रेन से गए हैं क्या ये तो पता नहीं कहीं नहीं गए Okay. चलिए सर ट्रेन से गए तो टिकट्स लगाइए फ्लाइट से गए हैं तो टिकट्स लगाइए कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीदें लगाइए और जयपुर में रुके हैं तो उस होटल की रसीदें लगाइए हैं नहीं पहले फोन करके फोन नहीं बाहर जाके पूछ लो सब ऐसा ऐसा ऑर्डर होने वाला है पूछ लो पहले जी सर पूछ के बताओ मेरे को Okay, गए हैं तो सब होगा उनके पास तो लगा दीजिएगा राइट जाइए okay. अगर आप दो पांच मिनट में वापस नहीं आए तो हम मान चलें के चलेंगे कहीं नहीं गए हैं और उन्होंने कॉरिडोर में ही आपको रोक लिया so, पर गए हैं अरे तो भाई साहब या तो फ्लाइट okay. से गए या ट्रेन से गए हैं या बद, कार से गए हैं कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीदें चाहिए ट्रेन से गए हैं तो टिकट ट्रेन की चाहिए और फ्लाइट से गए हैं तो वहां की चाहिए नहीं तो उनसे बोलिए अंदर आ जाइए कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी सर, सर आज नहीं आए नहीं आएंगे अंदर जयपुर वगैरह कुछ नहीं गए हैं क्यों झूठ बोलते हैं यार सर एक्चुअली सर भाई साहब ऐसा है मैंने आप लोगों से बार बार कहा है एक कहा कहानी है आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी मैं नहीं जानता एक शैतान बच्चा था शैतान मतलब नोटोरियस वाला शैतान नहीं इनोसेंट वाला शैतान रोज रात को अपने गांव में हल्ला मचाता था शेर आया शेर आया सब लोग वो लाठियां लेके बाहर आ जाते थे सोते सोते उठ के तो बा, बाहर जैसे आते थे कहते मैंने मजाक किया मजाक किया एक दिन उसने फिर हल्ला मचाया शेर आया तो लोग सोचा ये मजाक कर रहा होगा और उस दिन वाकई शेर आ गया फिर उस बच्चे का क्या हुआ मैंने नहीं जानता ये जो आप लोग मजाक करते हो ना बढ़वा लो जिस दिन वास्तव में परेशानी होगी उस दिन आपका रिजेक्ट हो जाएगी प्रेयर आप अपने लिए मुसीबत मत खड़ा कीजिए कि जब वास्तविकता में आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो जाए कि जब वास्तविकता में आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो जाए अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा कि झूठ बोल के बढ़वा लिया मैंने भाई साहब तो क्या बिना टिकट गए ट्रेन से गए तो बिना टिकट गए हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा मैंने कहा कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीद लगा दीजिए ट्रेन से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए फ्लाइट से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है इसका मतलब कहीं नहीं गए अब आप इतना बता दीजिए आपके पास बहस करने के लिए इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है नो इंस्ट्रक्शन फाइल दो आई विल डिसमिस फॉर वंट ऑफ प्रोसिक्यूशन

Uh, is not genuine. accordingly, the court expressed that it is ready to adjourn the matter provided the arguing counsel is ready to file the copies of the receipts, copy of the tickets if he had gone by flight or by train or the, uh, uh, the uh, toll booth receipts to show that he had gone to japan. It was also communicated to Shri that the arguing council shall also find the, uh, the, the receipts of the hotel in which he would stay. It is and accordingly, he sought some time to seek instructions from the arguing council. Thereafter, the matter was again taken up after 10 minutes, and it was submitted by Shri that the arguing counsel will be staying. In the house of his relative at Jaipur, but specifically expressed that he will not be in a position to file the copies of the traveling tickets or the toll booth receipts. Thus, it is clear that the prayer for adjournment has been made on the false ground. Accordingly, the counsel for the petitioner was requested to argue the matter. Sherry Mayank submitted that he has no instructions. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the petitioner must have lost his interest, lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. Share आ गया। कोई बात नहीं। चलिए। 43। आप लोगों को जैनोवाइन केस में तकलीफ होगी सर। मुझे उस बात की चिंता है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं।

मिस्टर कुछ भी हो जो भी हो आई हेव ऑलरेडी पास ऑर्डर। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या टिकट नहीं खरीदते हैं आखिरी टाइम हो आई एम लीजे वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं थी उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शन भी मिस्टर काउंसल आई हेव ऑलरेडी डिसमिस दैट आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है सर झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए नहीं सर वो आदमी को नहीं है आप अपने लॉयर के खिलाफ बोल रहे हो सर अपनी खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो सर वॉट एवर इट इज इट इज रियली बैड ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसल्स टू मेक फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर फॉर गेटिंग द मैटर्स अर्जेंट सब जयपुर गए हैं need lots of his whatever तो it is thank you आइटम नंबर हां आपका नाम क्या है सर आपका योगन नेम मैं मैं लेटर ऑन पर लेटर ऑन करके और लिखिएगा अच्छा श्री समीर बिहार सबमिटेड दैट मिस्टर राजे ही इज अपीयरिंग ऑन बिहार मिस्टर समीर बिहार अपीयर एंड सबमिटेड दैट अर्लियर दैट द आर्गुइंग काउंसिल इज नॉट आउट ऑफ स्टेशन And the false uh, excuse was given on the earlier occasion. Police <laughs> sure, stop. This court I'm, I'm, has sir, already. I'm making apologies. You should not have appeared now. Once you have appeared, allow me to write whatever you have stated. No, sir, whatever you have stated, please allow me to write. You can't stop me from uh, writing the uh, submissions made by the council. Uh, later on. It is submitted. I am making apologies. Don't apologize because your card counsel has not a, has a dare to. He's, he's, he's whatever he's, it is, Please. My apologies. Uh, please, when afraid. I am dictating the order, don't interfere. My apologies may be accepted. Don't interfere when I am writing the order. Later on, Shri Samir Vyohar appeared in the second half of the day and submitted that. The arguing counsel is within this, it has not gone anywhere. And a false excuse was given by Shiri Mayank police officer. It is really shocking that the lawyers are making My It is making. really shocking that a false excuse was made by the counsel to get the matter adjourned. This court. In the case of so and so, has already held that asking for unnecessary adjournment amounts to professional misconduct. Police system, be that whatever it may be. Earlier, this court had not imposed any cost, but in view of the specific admission made by Sharif Samir Bihar that the arguing counsel has not gone anywhere and he is in this city. The, the petition is dismissed with cost of rupees five thousand to be deposited by the petitioner in the registry of this court within a period of one month from the uh, from today. Really, in case if the cost is not deposited, the registrar general is directed to initiate the proceedings for recovery of uh, uh, cost apart from and sh shall also register a case for contempt of court. So तो काउंसिल आपको कुछ नहीं मालूम है इन्होंने मेरे से कहा वो आई थिंक गए हैं जयपुर राइट मैंने कल भी बोला था कल या परसों बोला था आपका चेहरा सब बता देता है बस पढ़ने वाले चाहिए और बदकिस्मती है आप सम्... लोगों की कि हम चेहरा पढ़ लेते डालिए राइट आई है right? to, to आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपके चेहरे हम पढ़ लेते हैं राइट right? जब इन्होंने कहा तो हमने इनसे कहा कि आप जाइए पूछिए कि क्या आप ये करेंगे तो ये दस मिनट के बाद वापस आए बोले हम नहीं करेंगे तो इन्होंने जाके पूछा अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने घबराहट के मारे या अपने मन से कुछ झूठ बोला हो क्या बात करते हो यार आप क्यों गए थे और जबकि मैंने इनसे कहा भी था अगर वो क्योंकि वो फोन मत करना क्योंकि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े सुनिए और अगर वो ये पेश नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं हमने वहां तक भी लिबर्टी दी थी कि भैया आप तो हमें प्रजम्स ड्रॉ करने दीजिएगा आप मत आइएगा आए फिर उन्होंने कहा कि जयपुर में अपने रिश्तेदार के घर ठहरे आप कहते हैं कि सर भैया झूठ बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं सर तो आपके तो आपके आपके जो आर्गरिंग काउंसिल जो है इनको झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है ज्वाइन किया है कि झूठ बोल बोलने के लिए आपने तो इनकी वकालत शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने परंतु ये इतने इनोसेंट है आज जितने भी जूनियर्स को से झूठ बुलवाया जा रहा है वो सारे इतने इनोसेंट हैं उनका चेहरा बोल देता है उनकी इनोसेंस को बर्बाद मत करो भाई नॉट इंस्ट्रक्ट मे बी ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुननी है not... I, not... आ, फिर क्या क्यों उनकी तरफ देख रहे हो आप ऐसा नहीं है कि पहले बार पहले स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर हुआ है ही वॉज रिक्वेस्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन ही वेंट आउट केम बैक देन अगेन ही मेड अ स्टेटमेंट आप कहते हैं कि साहब हमारा जो कलीग है वो इतना सच्चा आदमी है सच्चे तो ये हैं जिनके भोलापन से उनकी झूठ चेहरे पर दिख गया था वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए बोलने के लिए मजबूर किया था ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इनपे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से क्या समीर व्यवहार जी सॉरी सर आई एम डोंट यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक आप क्यों आप क्यों माफी मांग रहे हैं आपने तो अपने साथी को क्या राजेश उपाध्याय जी है? कौन है राजेश उपाध्याय उनको तो वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए कहा कि यार मैं जाता हूँ करवा के लाता हूँ चिंता मत नॉट सी नहीं सर पांच हजार की कॉस्ट नॉट हो गई नहीं होगा सर मिस्टर व्यवहार am... आप लोग झूठ बोल बोल के एडमेंट ले रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना दे उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं क्या ये सीखेंगे that, 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 ये कच्ची मिट्टी right. है सर right. जैसी मूर्ति बनाएंगे वैसे बन जाएंगे और जब ये आपके ऑफिस में आए हैं तो इन कच्ची मिट्टी को सही मूर्ति का शेप देने की जिम्मेदारी आपकी है मेरी नहीं और आप यहां खड़े होके उनको दोष दे रहे हैं दोष है क्योंकि तो वो इनोसेंट है उसके बाद बाहर गए और फिर आए फिर मजाक कर रहे हो क्या नहीं एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लंचन लगाते हुए आपको तो और बुरा नहीं लग रहा है hmm. कम से कम इनमें मैं मैं रोज देख रहा हूं कि जितने भी यंग बच्चे आए हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बुलवाया जा रहा है उनसे और मैंने परसों भी बोला था नहीं समझते आप लोग सर आप नई पीढ़ी को खराब शायद ना कर बैठे इसीलिए मैंने ये किया है अगर किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है ये मानते हुए कि वो आपके यहां से वकालत सीखेगा प्लीज टीच देपेयर दस हाउ टू आर्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू अडॉप्ट रॉन्ग मैथड वो किस उम्मीद से आपके ऑफिस में आए सीखने के लिए आए थे ना और आपको क्या सिखाया जा रहा है और जब वो बेचारे नहीं आपकी मनमाफी काम कर पाते तो आप उन्हीं पे लंचन लगा देते क्योंकि तो उनकी तो बच्चों की तो हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की कि साहब आपने झूठ क्यों बोला कोर्ट में आपने तो मेरे से बोला था ऐसा उनको कानून सिखाओ तैयारी करवाओ आर्ग्यू करने के लिए मुकदमे झूठ बोल के बढ़वाने के लिए मत कराओ इतना ही कहना चाहता हूं मर्जी है आपकी चेहरा है आपका चलिए Item number 43